नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओरा क्या होता है, ओरा का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, और जब किसी इंसान का ओरा बिगड़ जाता है तो उसे किस तरह के जो नुकसान है वो देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ओरा को हम हिंदी में कहते हैं आभामंडल। आपने देखा होगा कि जो प्राचीन समय के ऋषि मुनि हुआ करते थे, या फिर आपने गौतम बुद्ध की फोटो में देखा होगा कि उनके सर के पीछे एक गोल सर्कल सा बना हुआ है, एनर्जी का घेरा बना हुआ है, उसी को हम ओरा कहते हैं। ये सभी का होता है, लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल इनको महसूस किया जा सकता है। दोस्तों जिस इंसान का ओरा मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो आप पाओगे कि उस इंसान के अंदर एक अलग ही तरह का आकर्षण है। वो दिखने में चाहे सुंदर न हो या फिर उसका रंग काला ही क्यों न हो, फिर भी उस इंसान के अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है जो कि लोगों को बहुत ही आसानी से उसकी ओर खींच लेता है। तो एक ऐसा खिंचाव होता है जिसका कारण यही होता है कि उस इंसान का जो ओरा ना वो बहुत मजबूत है। और आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा भी होगा कि जो दिखने में इतने सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इसका कारण यही है कि मेरे भाई उनका जो ओरा ना वो बहुत मजबूत है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि दिखने में तो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, गोरे भी होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ रहते हो ना तो उनसे जो वाइब होती है ना वो अच्छी नहीं आती है। उनके साथ जब हम रहते हैं तो जो फील है वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, जिसका कारण यही है कि मेरे भाई उनका जो ओरा ना वो बिगड़ चुका है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जिस इंसान का ओरा बिगड़ चुका है तो उस इंसान का जो ओरा है वो कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो ओरा ना वो 100% सुधर जाएगा और एकदम मजबूत बन जाएगा और लोग आपकी ओर आसानी से आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों नंबर 1 है, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, पॉजिटिव काम करो, इससे आपका जो ओरा ना वो अच्छा हो जाता है। नंबर 2, मेडिटेशन करो। दोस्तों ध्यान तो मान लो इसकी दवाई है, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे आपका जो ओरा ना वो बेहतर बनता जाएगा। नंबर 3 है, मेडिटेशन के साथ साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी ओरा सुधर जाता है और आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 3 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, इनको फॉलो जरूर कीजिए, आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।